हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है कैसर। आज का इस वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 9000 के बजट में। अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो 9000 के बजट में तो आपको ये वीडियो जरूर मदद करेगी। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर वन स्मार्टफोन की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हम 5-6 स्मार्टफोन लेते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, वेरिएंट, कैमरा, डिस्प्ले, प्रोसेसर और बैटरी, सारे चीजों को कंपेयर करते हैं, उसके बाद आपके लिए टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन का वीडियो लेकर आते हैं। तो फिर चलिए अभी नंबर वन स्मार्टफोन की तरफ। दोस्तों, टॉप नंबर वन पे आता है हमारा पोको C3, जिसमें आपको 4GB का रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। डिस्प्ले में आपको 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिल रहा है। और अगर बात करें बैक कैमरा में तो आपको 13MP प्लस 2MP प्लस 2MP का बैक कैमरा सेटअप मिल रहा है, यानी कि ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। अगर फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो थोड़ा सा कम है, 5MP है। और बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 mAh की लॉन्ग बैटरी मिलती है, मतलब बड़ी बैटरी मिल रही है। और आपको प्रोसेसर के बारे में अगर बात करें तो MediaTek Helio G35 का गेमिंग प्रोसेसर आपको मिल रहा है, सिर्फ कितने 8999 के रुपये बजट में। और इसको हमने टॉप वन पे इसलिए शामिल किया है क्योंकि इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिला है, जो कि कोई भी स्मार्टफोन में नहीं मिला है। तो पोको C3 है हमारा टॉप नंबर वन। दोस्तों, अब बात करते हैं टॉप नंबर 2 स्मार्टफोन के बारे में। तो नंबर 2 में हमने शामिल किया नार्जो 20A। इसमें आपको 3GB का रैम मिलता है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। और डिस्प्ले के बारे में अगर बात करें तो 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले आपको मिल जाता है। कैमरा सेटअप में आपको 12MP प्लस 2MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक में मिल जाता है। अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा ज्यादा है, 8MP का फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 5000mAh की बड़ी बैटरी आपको मिल रही है। और अगर बात करें प्रोसेसर के बारे में तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर आपको मिल जाता है, इसमें आप गेमिंग वगैरह खेल सकते हो। और यह हमारे टॉप लिस्ट में 2 में आने का वजह है, एक तो इसका सेल्फी कैमरा 8MP का है और दूसरे इसके प्राइस रेंज है 8499, यानी कि 500 रुपये कम, 9000 से 500 रुपये कम, इसीलिए हमने इसको टॉप 2 में शामिल किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं टॉप नंबर 3 स्मार्टफोन के बारे में। तो टॉप नंबर 3 चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, एंड फाइनली इट्स अ टाई। तो 3 नंबर पे Realme C12 एंड Narzo 10A, गेमिंग प्रोसेसर और बैटरी के वजह से इन दोनों के बीच में टाई हुआ है। तो Realme C12 में आपको मिलता है 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले मिल रही है। और बैक कैमरा जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 13MP प्लस 2MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको बैक पे मिल जाता है। फ्रंट कैमरा कम है, 5MP का है। और अगर बैटरी के बारे में बात करें, ये तो बहुत ही बड़ी बैटरी है, 6000mAh की mAh बैटरी आपको मिल रही है, जो कि 9000 के बजट में बहुत ही बड़ा है। और प्रोसेसर की बात करें तो Helio G35 का प्रोसेसर मिल रहा है, इसकी प्राइस है 8999 रुपये। अब Narzo 10A में आपको मिल जाता है 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, 6.52 इंच का HD+ डिस्प्ले मिल रहा है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो 12MP प्लस 2MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको बैक में मिल जाता है। फ्रंट कैमरा में आपको 5MP का कैमरा सेटअप मिल रहा है। और अगर बात करें बैटरी की तो आपको इसमें 5000mAh की बैटरी मिल रही है, 5000mAh की बैटरी 9000 के बजट में बहुत ही बड़ी बैटरी होती है। प्रोसेसर के बारे में अगर बात करें तो आपको Helio G70 12nm का प्रोसेसर मिल रहा है और आपको इसकी प्राइस पड़ रही है 8999 रुपये। दोस्तों, दोनों के प्राइस रेंज सेम थे, 8999। अगर आपको कैमरा और बैटरी चाहिए तो आप Realme C12 परचेज करना, अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो आप Narzo 10A परचेज करना, चॉइस इज योर्स। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, फ्री है, ताकि ऐसे ही जनहित में जारी वीडियो आपके लिए वीडियो हम रेगुलरली बनाते रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जबरदस्त कॉन्टेंट के साथ। धन्यवाद।